Hello everyone. Today's story is Adventure in Woods. So let's get started. Mukul and Tony lived in the beautiful hillside town of Kantar. Mukul और Tony बहुत ही खूबसूरत hillside town Kantar में रहते थे. On the edge of the town was thick forest where many animals lived. Town के एज पर एक thick forest था जहाँ बहुत सारे animals रहते थे. Every evening after school, Mukul and Tony would go to play with their friends in the field near the woods. हर शाम टोनी और मुकुल अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ वुड्स में खेलने जाते थे. They greatly enjoyed themselves running in the green field, throwing stones into the brook and shouting back to the creeping sparrows. उन्हें बहुत मज़ा आता था ग्रीन फील्ड्स में घूमने में, ब्रुक्स में स्टोन्स फेंकने में और स्पैरोज पे शाउट करने में. ऑन इवनिंग द टू फ्रेंड्स वर सो बिजी एट प्लेइंग दैट दे डिडंट नोटिस इट वाज गेटिंग डार्क. एक शाम को वो इतने ज्यादा खेलने में मगन हो गए कि वो भूल गए कि रात हो रही है. दे हैड रन टू फार फ्रॉम द टाउन टूवर्ड्स द वुड्स. वो बहुत दूर आ गए थे टाउन से. All other children had gone home. बाकी सारे children घर चले गए थे. Tony and Mukul were lost in the woods. और Tony और Mukul woods में खो गए थे. मतलब जंगल में खो गए थे. The boy knew there were wild animals in the wood. Boys को पता था कि woods में wild animals हैं. They held each other's hand and walked in terror. उन्होंने एक दूसरे का हैंड पकड़ा और बहुत ज्यादा डर डर के चलने लगे. टोनी सेड वी कांट होप टू गेट होम टू नाइट. लेट्स क्लाइंब अ ट्री एंड स्पेंड द नाइट देयर. मुकुल अग्रीड. टोनी ने कहा कि इस टाइम घर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है तो हम एक काम करते हैं, पेड़ पे चढ़ जाते हैं और वहां पे सो जाते हैं. मुकुल ने इस बात पर एग्री कर दिया. एंड सून दे वर सिटिंग ऑन अ थिक ब्रांच ऑफ अ ट्री. Let's pray to God that the elves and fairies of the woods protect us, said Mukul. अब God से pray करते हैं कि elves और fairies, जो forest की elves और fairies हैं, वो हमारी रक्षा करेंगी. मुकुल ने कहा. The boys soon dozed off. Late in the night, they were awakened by loud noises of metal clashing and banging mixed with people's voices. दोनों लड़के जल्दी ही सो गए. रात को उन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ मेटल के खड़कने की और लोगों की आवाज़ आने लगी और वो दोनों उठ गए. मुकुल वी आर सेव्ड, इट मस्ट बी मम एंड डैड विद द पुलिस, लेट्स गेट डाउन. टोनी ने कहा, मुकुल हम बच गए, ये पक्के तौर पे मम्मी और पापा हैं पुलिस के साथ, चलो नीचे उतरते हैं. As they approached the source of the sound, they found it was not their parents, but men carrying lanterns, axes, saws, a bag of other tools, were arguing about which trees they should cut. जब वो वहाँ पहुँचे जहाँ पे से आवाज़ आ रही थी, उन्होंने देखा कि वहाँ पे उनके parents नहीं थे, बल्कि कुछ लोग थे जिन्होंने lanterns, axes, saws, a bag of tools ले रखा था. और वो आर्ग्यू कर रहे थे कि अब कौन सा ट्री काटना चाहिए. टोनी एंड मुकुल वर शॉक्ड टू सी दिस. दे न्यू हाउ डेंजरस इट वाज टू कट ट्रीज. दे रिमेंबर्ड व्हाट दे हैड लर्नड अबाउट डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज फ्रॉम देयर बुक्स. टोनी और मुकुल बहुत ज्यादा शॉक हो गए ये चीज देखकर, क्योंकि उन्हें पता था कि ट्रीज काटना कितना डेंजरस है. उन्हें डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज के बारे में सब कुछ याद आ गया जो उन्होंने अपनी बुक्स में पढ़ा था. मुकुल वी कांट अलाउ दिस, वी मस्ट स्टॉप दैम, टोनी सेड. टोनी ने कहा, मुकुल हम ये सब अलाउ नहीं कर सकते, हमें ये सब रोकना होगा. वेट, दे लुक सो डेंजरस, लेट्स सी वॉट दे आर अप टू, सेड मुकुल. रुको, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहे हैं, चलो देखते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं. द बॉयज हिड बिहाइंड अ बुश एंड ऑब्जर्व द मैन. नाउ दे हैड हडल टुगेदर टू डिस्कस समथिंग. वो बॉयज बुश के पीछे छुप गए और उन लोगों को देखने लगे और वो सब एक हडल में
खड़े हो गए और कुछ डिस्कस करने लगे। मुकुल सेड इन अ हश्ड वॉइस, हे टोनी, सी दे हैव केप्ट देयर टूल्स बिसाइड दैट बुश, लेट्स हाइड देम अवे। मुकुल ने धीरे से आवाज़ में कहा कि टोनी देखो, उन्होंने अपने टूल्स बुश के पीछे रख रखे हैं, चलो उन्हें छुपा देते हैं। यस दैट्स अ वंडरफुल आइडिया, विस्पर्ड मुकुल। मुकुल ने कहा हाँ ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। आफ्टर द डिस्कशन द मैन केम बैक टू देयर टूल्स बट देयर वॉज नन। डिस्कशन के बाद वो सब टूल्स लेने आए पर वहाँ पर कुछ था ही नहीं। ओ वेयर इज माई एक्स, शाउटेड वन, एक ने शाउट किया कि मेरा एक्स कहाँ गया भाई। हु टुक द सॉ फ्रॉम हेयर, अनादर आस्क अनादर, यहाँ से सॉ किसने उठाया। गोस्ट सेड अ थर्ड वन इन अ शिवरिंग वॉइस, तीसरे ने कहा भूत। शट अप यू फूल्स एंड सर्च फॉर द एक्सेस, शाउटेड द लीडर, जो उनका लीडर था उसने चिल्लाकर बोला कि तुम चुप हो जाओ बेवकूफ लोगों और अपने एक्सेस ढूंढो। दे फाउंड नो ट्रेस ऑफ देयर टूल्स एंड डिसाइडेड टू कम बैक नेक्स्ट डे, उन्हें अपने टूल्स कहीं भी नहीं मिले और उन्होंने डिसाइड किया हम अगले दिन आएंगे। मुकुल एंड टोनी फाउंड देयर वे होम द नेक्स्ट मॉर्निंग, दे टोल्ड देयर पेरेंट्स अबाउट द इवेंट्स ऑफ द प्रीवियस नाइट। टोनी और मुकुल ने सुबह सुबह अपने घर वापस लौटने का रास्ता ढूंढ लिया और उन्होंने जाते ही अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया कि पिछली रात क्या हुआ था। द पीपल ऑफ कंटर वर अलार्म्ड एंड आउटरीच टू हियर अबाउट द विकेट स्मगलर्स, इट बिकेम क्लियर टू देम वाई देयर हैड बीन अ डिजास्ट्रस लैंडस्लिप इन द वैली द प्रीवियस ईयर। कंटर के लोग बिल्कुल एकदम गुस्सा हो गए और उन्हें जब ये पता लगा कि ये इस तरीके की स्मगलिंग हो रही है और उन्हें ये भी समझ में आ गया कि पिछले साल जो लैंडस्लिप हुआ था वो किस वजह से हुआ था। द मैन केम बैक टू द वुड्स विद न्यू टूल्स दैट नाइट बट बिफोर दे कुड बिगिन देयर जॉब पीपल ऑफ द टाउन सराउंडेड देम। जो लोग थे वो अगले रात नए नए टूल्स के साथ आए बट उससे पहले कि वो अपना काम शुरू करते सब लोगों ने उन्हें घेर लिया। You cannot cut these trees. They belong to all people of the valley. तुम इन पेड़ों को नहीं काट सकते, ये सब peoples के हैं, सब लोगों के हैं जो इस वैली में रहते हैं। Who are you to say that? We earn our livelihood by selling wood, said one of the men. तुम ये कहने वाले कौन होते हो? हमारी जिंदगी इन्हीं woods से चल रही है, हम इन्हीं woods को बेच कर पैसे कमाते हैं, एक आदमी ने कहा उनमें से। मिस्टर नारायणा, अ वेल नोन जर्नलिस्ट ऑफ कंटर सेड, डू यू नो वट विल हैपन इफ यू कट डाउन ट्रीज, दे कीप अर एयर क्लीन, ब्रिंग रेन एंड कीप अर हिल साइड ब्यूटिफुल। मिस्टर नारायणा जो वहाँ के वेल नोन जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि अगर अब ट्रीज को काट देंगे तो क्या होगा, ट्रीज हमारी एयर को क्लीन रखते हैं, वो हमारे लिए बारिश लाते हैं और हमारी हिल साइड को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रखते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स बाय गिविंग देम अ सेफ प्लेस टू लिव, और वो वाइल्ड एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें एक अच्छी जगह देते हैं और सेफ जगह देते हैं रहने के लिए। आई एम श्योर यू हैवन फॉरगेटन लास्ट ईयर्स डेडली लैंड स्लिप विच किल्ड मैनी ऑफ योर रिलेटिव्स इन द वैली। मुझे पूरा यकीन है कि तुम भूले नहीं हो उस लैंडस्लिप के बारे में जो पिछले साल आया था और बहुत सारे तुम्हारे रिलेटिव्स को मार के चला गया था। द लैंडस्लिप हैपेंड बिकॉज देयर वरंट इनफ ट्रीज ऑन द हिल टॉप टू कीप द सॉइल टुगेदर। इट इज इजी टू कट अ ट्री बट हैव यू एवर थॉट इयर्स इट टेक्स फॉर अ ट्री टू गो। लैंडस्लिप इसलिए हुआ था क्योंकि वहां हिल टॉप पे बहुत सारे पेड़ नहीं थे, इतने पेड़ नहीं थे कि वो सॉइल को एक साथ रख सके। तुम्हें पता है एक पेड़ को काटना बहुत आसान है पर क्या तुम्हें पता है कि कितने साल लगते हैं एक पेड़ को उगने में। द मैन नाउ रियलाइज देयर मिस्टेक, दे हंग देयर हेड्स इन शेम। अब उन लोगों को अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन हो गया और वो शर्म से झुक गए। द नेक्स्ट इवनिंग व्हेन मुकुल एंड टोनी रैन इनटू द वुड्स टू प्ले, दे वर टेकन अबैक बाय व्हाट दे सॉ। The same men were there again, but this time they were planting little saplings to grow more trees. जब अगले दिन शाम को मुकुल और टोनी वुड्स में पे खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो सेम मैन वहीं पे थे पर इस बार वो पेड़ काट नहीं रहे थे
बल्कि छोटे छोटे सैपलिंग्स प्लांट कर रहे थे ताकि वहाँ पे ट्रीज उग सकें। आज हमने स्टोरी में देखा कि कैसे छोटे छोटे बच्चों ने इतने सारे पेड़ों को कटने से रोका और अपने विलेज कंटर को प्रोटेक्ट किया। उन बच्चों को पता था कि डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज कितने बड़े डिजास्टरस चीजें हैं और इस सबसे अर्थ को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचता है। नाउ थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।